વેલકમ બેક. લોકસભામાં આજે કોંગ્રેસે કુલભૂષણ જાધવની ફાંસીનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો. પાકિસ્તાનની આર્મી કોર્ટે ભારતના પૂર્વ નેવી અધિકારી જાધવને ફાંસીની સજા સંભળાવી છે, જેથી કોંગ્રેસે કુલભૂષણ સુધી જાધવની ફાંસી રોકવામાં આવે તેવી માંગ કરી છે. ત્યારે કોંગ્રેસના નેતા મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ લોકસભામાં કહ્યું કે જો કુલભૂષણ જાધવને ફાંસી થશે તો અમે તેને મર્ડર ગણીશું. તો સમગ્ર મામલે ગૃહમંત્રી રાજનાથસિંહે જવાબ આપતા કહ્યું, કુલભૂષણની સાથે આખો ભારત દેશ છે. આ સાથે કહ્યું કે સરકારને જે પણ કરવું પડશે તે કરશે. कुलभूषण जाधव को जो फांसी की सजा पाकिस्तान में दी गई है, उसको लेकर पूरे सदन ने केवल चिंता ही व्यक्त नहीं की है, बल्कि पूरे सदन ने आक्रोश व्यक्त किया है. फांसी दिए जाने का जो फैसला लिया गया है, उसको लेकर सदन ही नहीं बल्कि सारा देश, अध्यक्ष महोदया, उससे चिंतित है. जहां तक कुलभूषण जाधव का प्रश्न है, जैसा सभी सम्मानित सदस्यों ने बतलाया कि वह इंडियन नेवी के एक रिटायर्ड ऑफिसर हैं और उसके बाद चाबहार ईरान में वो एक छोटा मोटा बिजनेस करते थे और स्थानीय ईरानी सिटीजन उनका वह पार्टनर भी था और उस बिजनेस के सिलसिले में ही वो तेहरान और चाबहार अक्सर आया जाया करते थे. मार्च 2016 में अध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज के द्वारा उन्हें किडनैप कर लिया गया है और उसे पाकिस्तान मीडिया के समक्ष भारतीय एजेंसी के स्पाई के रूप में उन्हें प्रस्तुत किया गया. पाकिस्तानी मीडिया को ब्रीफ करते समय पाकिस्तान की अथॉरिटी ने ही अध्यक्ष महोदय यह कुलभूषण जाधव के संबंध में यह कहा है कि कुलभूषण जाधव के पास एक वैलिड इंडियन पासपोर्ट मिला. अब यह बात समझ में नहीं आती, कुलभूषण जाधव के पास यदि वैलिड इंडियन पासपोर्ट मिला है तो वह स्पाई कैसे हो सकता है, यह बात समझ में नहीं आती है. लेकिन फिर भी कुलभूषण जाधव का स्पाई होना तो मैं मानता हूं कि जब उनके पास वैलिड इंडियन पासपोर्ट था तो इसका प्रश्न ही नहीं खड़ा होता और यह पाकिस्तान के एक्शन को यह सीधे एक्सपोज करता है. जनरल कोर्ट मार्शल ने जाधव को मौत की सजा सुनाई. सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा ने इसकी पुष्टि भी की है और ICPR ने एक संक्षिप्त बयान में कहा है कि भारतीय नौसेना का अधिकारी जाधव भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग से जुड़ा था, जो हुसैन मुबारक पटेल नाम का इस्तेमाल करता था. ये सारी झूठी बातें हैं और इन बातों को लेकर उन्होंने कोर्ट मार्शल करके, जो एक मिलिट्री में अब नहीं है, कोई वास्ता उनसे नहीं सुन, लेकिन फिर भी उसको फांसी की सजा दी जा रही है. अगर कानून और न्याय के मूल सिद्धांतों का पालन नहीं होता तो भारत के लोग इसे सोची समझी हत्या समझेंगे. सूरत नहीं पीआर